वोट लेता है और बड़े बड़े लोगों को, जैसे छत्तीसगढ़ में गौतम अडानी नाम का एक व्यक्ति है, वहां 400 एकड़ जमीन दिया, 400 एकड़ गोथो में 400 एकड़ वहां को इतना जमीन दिया। कहीं भी देखो बड़े बड़े फैक्ट्रियों को कंपनी वाले को धड़ाधड़ जमीन सरकार दे रही है, मगर हमारे 4 लाख एकड़ गोद। इस तरह से वो सरकार गरीबों से वोट लेती है और बड़े बड़े उद्योगपति बड़े लोगों का काम करती है, तो जिनसे वोट लेती है उनका काम नहीं करती, तो ये बहुत गलत बात है। तो अपन को अपनी ताकत बनाना है, अपनी ताकत से भाई देखो दुनिया में अगर एकता बन जाए, एक कहावत है मजदूर को रेल यूनियन का, एक वो है मजदूर को कि अगर अरे याद ही भूला जाए खाने उछड़ जाए मेरे को, कि दुनिया की रीत है जहां एकता वहां जीत है ना, ऐसे ही कहावत है। तो भाई जहां एकता रहेगी ताकत रहेगी तो कोई दुनिया का ताकत हमको हमारा पैर के नीचे से जमीन को नहीं छुड़ा सकता, मगर ताकत नहीं रहेगी तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी करते रहेंगे। तो ये सब चीज अपन नहीं होने देंगे, रहने रहने भाई रहने रहा भाई इसलिए इसलिए अभी कई जगह अलग अलग घटना हो रहे हैं, चाहे वो बुरहानपुर की बात हो, चाहे वो जबलपुर क्षेत्र की बात हो, चाहे वो रीवा क्षेत्र की बात हो, जहां जहां पे भी आदिवासियों पर बहुत सबसे ज्यादा जुर्म अत्याचार बढ़ रहा है। तो इसलिए अब आदिवासियों को अपनी अपनी ताकत दिखाना होगा, उनको अपनी असली ताकत को आना होगा। अभी अपन लोग राजनीतिक ढंग से भी बहुत कमजोर है, सामाजिक ढंग से भी बहुत कमजोर है। अभी आप देख रहे कई संग्रह को देखते हैं लोग टीवी पेपर में है ना, आरक्षण 5% को लेने राजस्थान में रेल को पटली उखाड़ के फेंक देते बोलो, हाँ सरकार हिला देते, 200-200 रेल को रोक देते, उतना दम उनमें दिखाई दे। और जब मध्य प्रदेश में हमारा सबसे ज्यादा बहुल क्षेत्र है वही हमको लोगों को दबा रहे हैं, ये लोग दबा रहे, तो गड़बड़ ये है ना कि हमारे ही लोग आते उस तरफ खड़े हो गए, जिनको हम चुनते भेजे तो बस साइड है, हम जिनको सरपंच बना दे बस साइड हो जाते, हम जिनको जिला पंचायत सदस्य बना दे बस साइड हो जाते, आज यहाँ कितने सरपंच आए। इस लड़ाई में सबको बोलो।